पैसा, पावर और शोहरत तीन ऐसी चीजें हैं जिसे हर कोई पाना चाहता है, लेकिन राजनीति ही वो क्षेत्र है जहां ये तीनों ताकतें आपकी मुट्ठी में आ सकती है। यही वजह है कि देश में ऐसे कई बिजनेसमैन और कारोबारी लोग हैं जो राजनीति में अपना लक आजमाते हैं और अच्छा खासा नाम और पैसा कमाते हैं। आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के नाम है। चलिए आज हम आपको 10 ऐसे रईस राजनेताओं के बारे में बताते हैं जिनकी दौलत शोहरत का कोई हिसाब नहीं है। इनकी शानो शौकत के सामने कई अमीर घराने भी फीके नजर आते हैं। नंबर 10, कमलनाथ। अमीर राजनेताओं की लिस्ट में 10 नंबर पर नाम आता है मध्य प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कमलनाथ का। राजनीति में अच्छी खासी पकड़ रखने वाले इस नाम को तो आपने कई बार सुना होगा। ये कांग्रेस पार्टी के दमदार नेताओं में से एक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता के रूप में इन्होंने शहरी विकास मंत्री के रूप में काम किया है। लोकसभा सांसद के तौर पर काम करने वाले ये सबसे सीनियर मेंबर भी है। इनका पॉलिटिकल करियर जितना बड़ा है, इन्होंने उतना ही मोटा पैसा भी छापा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 20 कंपनियों के मालिक है। 124 करोड़ रुपए की संपत्ति इनके नाम है। दिलचस्प बात है कि इनके बेटे के पास भी 660 करोड़ रुपए की संपत्ति है। केवल पिता ही नहीं बल्कि अमीरी में बेटा भी एक कदम आगे है। नंबर 9, जया बच्चन। जया बच्चन को लोग अब केवल बॉलीवुड के नाम से नहीं जानते हैं, राजनीति में उतरने के बाद लोग उन्हें एक राजनेता के तौर पर भी देखते हैं। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में देने की वजह से वो जनता के बीच लोकप्रिय रही है, लेकिन नेता के तौर पर वो समाजवादी पार्टी की हिस्सा है और राज्यसभा की एक्टिव मेंबर है। हालांकि वो मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की बीवी है और एक रईस खानदान से जुड़ी हुई है, लेकिन आपको बता दे कि उनकी खुद की नेटवर्थ 68 करोड़ रुपए के करीब है। लेकिन उनके पास महंगी ज्वेलरी का बहुत बड़ा कलेक्शन है जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में है। मानना पड़ेगा पैसे की ऐसी बौछार केवल कुछ ही राजनेताओं पर होती है। नंबर 8, अभिषेक मन्नू सिंघवी। अभिषेक मन्नू सिंघवी एक बड़े नेता होने के साथ साथ शानदार वकील भी रहे हैं। कांग्रेस से जुड़े होने के नाते ये कभी राज्यसभा में राजस्थान से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, लेकिन अब ये वेस्ट बंगाल से राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अभिषेक मन्नू के बारे में ये शानदार है कि हार्वर्ड से पढ़े होने के नाते इनकी गिनती सबसे इंटेलेक्चुअल शख्सियत में होती है। इन्हें कांग्रेस के सबसे टैलेंटेड पॉलिटिशियन के रूप में भी देखा जाता है। वैसे बता दे कि दिमागदार होने के साथ साथ अभिषेक सिंह भी काफी पैसे वाले भी है। इनकी नेटवर्थ 860 करोड़ है। नंबर 7, नामा नागेश्वरा राव। अगर आप दक्षिण की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो नामा नागेश्वरा राव का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के नेता है और वहाँ इनके नाम को हर कोई जानता है। करेंटली नामा नागेश्वरा राव 15th लोकसभा के सदस्य है। हालांकि ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट बिजनेस चलाना इन्हें अच्छे से आता है। आपको बता दे कि लोकसभा सदस्य बनने से पहले नागेश्वरा राव इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी चलाते थे। इनकी दौलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2009 में लोकसभा इलेक्शंस में उतरने से पहले इनके पास 1.73 बिलियन रुपीस की संपत्ति थी। उस दौर में इतनी दौलत किसी भी राजनेता के पास नहीं थी और ये सबसे अमीर कैंडिडेट थे। आज इनकी नेटवर्थ 800 करोड़ है और ये लोकसभा के सबसे अमीर एमपी में से एक है। नंबर 6, अल्ला अयोध्या रामी रेड्डी। भारत की राज्यसभा में कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनकी गिनती सबसे अमीर राज्यसभा सांसद की लिस्ट में होती है। 57 साल के अल्ला अयोध्या रामी रेड्डी उन्हीं नेताओं में से एक है। ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। साल 2020 में इन्हें आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद चुना गया था। राजनीति में हालांकि इन्होंने नाम जरूर कमाया, लेकिन इनकी कमाई का असली जरिया इनका बिजनेस है। दरअसल अल्ला अयोध्या रामी रेड्डी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। ये रामकी ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर है। इनकी नेटवर्थ 350 मिलियन US डॉलर्स के करीब है। नंबर 5, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अमीर राजनेताओं का जिक्र हो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम कैसे पीछे रह सकता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी छाप छोड़ने वाले ये राजनेता पहले कांग्रेस पार्टी के जाने माने सदस्य थे, लेकिन अब इनका उनसे दूर दूर तक नाता नहीं है। आज ये बीजेपी की पार्टी में शामिल है और सिविल एविएशन के मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। वैसे बता दे कि अपने राजनीतिक करियर में ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों का हिस्सा रहे हैं। राजनीति से इनके परिवार का गहरा नाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये ग्वालियर के राजघराने से संबंध रखते हैं और यही वजह है कि इनके पास शानो शौकत और पैसों की कोई कमी नहीं है। लग्जूरियस गाड़ी से लेकर मोटे बैंक बैलेंस तक इनके पास सब कुछ है। इनकी नेटवर्थ 25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। कहा जाता है कि यूपीए गवर्नमेंट के सबसे अमीर नेताओं में से एक है। नंबर 4, आनंद सिंह। बीजेपी पार्टी से संबंध रखने वाले आनंद सिंह कर्नाटका से विजयनगर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए है और ये साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की पोस्ट पर भी विराजमान है।
एक बात तो माननी पड़ेगी कि इनकी राजनीतिक सफर काफी उम्दा रहा है। एक नहीं बल्कि कई बार ये चुनाव जीते हैं। कर्नाटक की पॉलिटिक्स में इन्होंने अपनी जगह बनाई है। सत्ता के अलावा इनकी झोली में पैसे की भी कोई कमी नहीं है। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि माइनिंग कंपनी में इनके अच्छे खासे स्टेक्स है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी कुल संपत्ति लगभग 900 करोड़ के करीब है। नंबर 3, सुभाष चंद्र। मीडिया और टेलीविजन से जुड़े सुभाष चंद्र एक नाम ही नहीं बल्कि एक ब्रांड है। आपने भी कई बार इस चेहरे को टीवी पर देखा होगा, लेकिन कभी इनकी पावर और इन्फ्लुएंस का अंदाजा नहीं लगाया होगा। दरअसल सुभाष चंद्र जी टीवी के फाउंडर होने के साथ साथ SL ग्रुप के मालिक है। इसके अलावा वह जी मीडिया के चेयरपर्सन भी है। बिजनेस में इनकी लोकप्रियता कमाल की है, लेकिन आपको बता दे कि ये पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं। जी हाँ, सुभाष चंद्र BJP पार्टी के सदस्य है और 2016 में हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। वैसे बता दे कि इनकी नेटवर्थ $2.5 बिलियन के बराबर है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पास कितना पैसा होगा। नंबर 2, सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल को अमेरिका सिनोनिम कहना गलत नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी से संबंध रखने वाली इन राजनेता के पास इतना पैसा है कि ये चुटकियों में कई बिजनेस खरीद सकती है। 65 साल की सावित्री जिंदल असल में जिंदल ग्रुप के फाउंडर ओम प्रकाश जिंदल की पत्नी है। इनके पति की साल 2005 में हेलीकॉप्टर क्रैश से मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद इन्होंने राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस पार्टी से जुड़ गई। पहले ही विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करके इन्होंने राजनीति में अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया। आज जिंदल ग्रुप की मालकिन होने के नाते इनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये जिंदल ग्रुप होल्डिंग स्टील, पावर, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस को अच्छी तरह से संभालती है। राजनीति के साथ साथ बिजनेस पर पकड़ रखते हुए इन्होंने अपने कारोबार को काफी बुलंदियों पर पहुंचाया है। आज इनकी कुल नेटवर्थ 1,970 करोड़ USD है। वैसे बता दे कि इनकी गिनती भारत की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में की जाती है। नंबर 1, नवीन जिंदल। नवीन जिंदल सावित्री जिंदल के सबसे छोटे बेटे हैं। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष होने के नाते ये एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन साथ ही साथ ये एक राजनेता और भूतपूर्व सांसद भी रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कारोबार में मुनाफा कमाने के साथ इन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया है। नवीन जिंदल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से इन्होंने 14वां और 15वीं लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ा था और उसमें इन्हें जीत भी हासिल हुई थी। आज भले ही ये राजनीति में उतने एक्टिव नहीं है, लेकिन इनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस और ऐशो आराम की जिंदगी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नवीन जिंदल की नेटवर्थ 4,570 मिलियन USD है। तो ये थे भारत के कुछ ऐसे राजनेता जिनके पास दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो राजघराने से संबंध रखते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो सत्ता में आने के बाद काफी मोटा बैंक बैलेंस कमाने में कामयाब रहे हैं। इससे एक बात तो साफ होती है कि राजनीति में खड़े राजनेता के केवल सत्ता ही नहीं पाते, बल्कि एक अच्छी रही जिंदगी का भी लुत्फ उठाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नया दिलचस्प टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।